तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। कोई लिखवा दे आपके खिलाफ झूठी फर, तो बोलिए ये दो शब्द, फौरन छोड़ देगी पुलिस। फर यानी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ये उस वक्त दर्ज करवाई जाती है जब आपके साथ कोई आपराधिक घटना होती है। फर पुलिस रजिस्टर में दर्ज एक लिखित दस्तावेज होता है जिसको किसी आपराधिक घटना के पीड़ित द्वारा लिखवाया जाता है। अपने साथ हुई किसी आपराधिक घटना की पुलिस में शिकायत करना या फर करना किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग किसी को बदनाम या परेशान करने के लिए झूठी फर लिखवा देते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इस झूठी फर से कैसे बचा जाए। अगर कोई आपके खिलाफ झूठी फर लिखवा दे तो ऐसे में आप हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 के तहत किसी की झूठी फर से बचने का तरीका बताया गया है। इसके लिए आपको हाईकोर्ट में अपील करनी होती है। कोर्ट में अगर आपकी बातें सही हुई तो यह फर रद्द भी हो सकती है। आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति लिखित या मौखिक तौर पर अपनी शिकायत पुलिस में दर्ज करवा सकता है। अगर कोई आपके खिलाफ झूठी फर लिखवा दे तो आपको सिर्फ ये दो शब्द रखने चाहिए और फिर आप इस झूठी फर से बच सकते हैं। धारा 482 के तहत है आपके ये अधिकार। इस धारा का इस्तेमाल आप किसी भी झूठी फर से बचने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए आपको वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में एक प्रार्थना पत्र भेजना होगा। उसमें आपको लिखना होगा कि आपके खिलाफ दर्ज फर झूठी है और आपको इसके साथ अपनी बेगुनाही के सबूत भी देने हैं। प्रार्थना पत्र के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफ्स और डॉक्यूमेंट्स जैसे दस्तावेज कोर्ट को भेजें। आपको बता दें कि जब तक हाईकोर्ट में इस केस का फैसला नहीं आ जाता तब तक पुलिस आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकती। इस धारा के तहत कोई भी व्यक्ति बेगुनाह है, वो बच सकता है। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।